नाशिक जिल्ह्यातील येवला सिन्नर मालेगाव तालुक्यातील जाहीर झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीची आढावा घेण्यासाठी कालपासून केंद्रीय पथक हे नाशिक जिल्ह्यात आले. मात्र या पथकांना सिन्नर नंतर संध्याकाळच्या सुमारास येवला तालुक्यासह 10 पैकी राजापूर पन्हाळसह या 2 गावात भेट देत पाहणी केली आहे. यावेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी पथकानं संवाद देखील साधला. यावेळी या पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक महत्वाच्या गोष्टी जाणून देखील घेतल्या. खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून त्याचा अहवाल केंद्राला देणार असल्याची माहिती देखील केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितली आहे. का जो यहाँ पे दौरा है इसलिए है कि महाराष्ट्र राज्य में अभी सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है खरीफ मौसम में. उसी के संदर्भ में हमारी एक टीम इसके अवलोकन के लिए आई है कि क्या स्थिति है, यथास्थिति जानने के लिए आई है. जानने के बाद में सूखे के निस्तारण की एक प्रक्रिया है भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रक्रिया है. उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो सूखे से संबंधित जो क्लेम जो सेटलमेंट होना है इसकी रिपोर्ट हम कल जाके राज्य सरकार को पहले सबमिट करेंगे. उसके बाद इसकी उचित प्रक्रिया के माध्यम से इसका जो क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा. ये जो अभी तक देख के मुझे लग रहा है कि खरीफ मौसम में निश्चित रूप से यहाँ वो तो वैसे भी मौसम का भी आंकड़े और जो फसल का कटाई के अनुमान जो ये डेटा है उसको भी देख के लगा भी था कि सिचुएशन ख़राब थी. यहाँ पे देखने पे भी लग रहा है कि स्थिति बहुत ठीक नहीं है. स्थिति वास्तव में कहीं कहीं पे बहुत ख़राब है और कृषि के लिए खेती की स्थिति तो वास्तव में ज़्यादा ही खराब है. किसानों ने क्या जो हमारे सूखा के अंतर्गत जो प्राविधान है उसमें तुरंत मदद का ही प्राविधान है. इसीलिए जो इसका लास्ट डेट जो होती है राज्य ने हमें बताया कि हमारे यहाँ सूखे जैसी स्थिति है. तुरंत हमने हमारे यहाँ से एक टीम का गठन हुआ है. टीम ने आके भ्रमण किया. भ्रमण करने के पश्चात तुरंत जैसे हम रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे राज्य सरकार को उसका जो उचित मुआवजा या जो क्षतिपूर्ति कह सकते हैं केंद्र की तरफ से राज्य की तरफ से उसका निस्तारण किया जाएगा. सर डिस्ट्रिक्ट में जागर जनसंघ साठी सचिन वखारे येवला.